हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पार्ट 8। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ये पार्ट 8 है। तो चलिए बात करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी ऐसे क्वेश्चन से। तो यहाँ पे स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक बिल्डिंग के ऊपर एक स्टैचू को खड़ा किया गया है, जैसे आप मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। नीचे BC है वो हमारी बिल्डिंग है और AB है वो हमारा स्टैचू है। अब स्टैचू का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 1.6 मीटर। अब पॉइंट डी के ऊपर कोई पर्सन है जहाँ से वो कुछ ऑब्जर्वेशंस ले रहा है। अब उस पर्सन ने जब स्टैचू का टॉप पॉइंट ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 का, और जब उस पर्सन ने स्टैचू का फुट, इट मींस बी पॉइंट को उसने ऑब्जर्व किया, या स्टैचू का फुट बोलो या पेडिस्टल या बिल्डिंग का टॉप बोलो, उसमें उसने उस पॉइंट को उसने ऑब्जर्व किया तो पॉइंट डी पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 45 का बनता है, राइट। तो हमें इतने इन्फॉर्मेशन से फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पेडिस्टल, इट मींस स्टैचू को जिस बिल्डिंग के ऊपर रखा गया है उस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी वो आपको ढूंढनी है। फिलहाल मैंने बिल्डिंग की हाइट बी सी को एक्स से दिखाया है, तो आपको एक्स फाइंड करना होगा। अब देखो, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, डी सी आपको दिख रहा है, तो हम बात करेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो चुका था उसके लिए सॉरी। तो BC हमें ढूंढना है, और दोनों ट्रायंगल के अंदर जो आपका DC जो बेस है, ठीक है, DC दोनों ट्रायंगल DC बेस के ऊपर खड़े हैं, तो उनका कॉमन बेस DC है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की DC की इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को इक्वल दिखा के कुछ ना कुछ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले क्या कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल में से DC को फाइंड करते हैं, और फिलहाल DC की दोनों में कॉमन है तो DC की वैल्यू सेम आनी चाहिए। RHS LHS इक्वल करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम DC फाइंड कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC। अब ट्रायंगल ADC की बात करें तो यहाँ पे आपको अपोजिट गिवन है, और अपोजिट को आप ढूंढना है और बेस कॉमन है, तो अपोजिट एंड बेस इट मींस अपोजिट एंड एडजेसेंट, तो ये आपको 10 की ओर इशारा कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 60 इज इक्वल टू AC बाय DC, और यहाँ पे 10 45 इज इक्वल टू BC बाय DC, ठीक है, क्योंकि 45 का एंगल है वो यहाँ तक ही बन रहा है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर BC ही आएगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करनी थी इक्वेशन DC की, तो DC इज इक्वल टू हो जाएगा AC बाय 1060 की वैल्यू क्या थी, 1060 की वैल्यू हो रही थी √3, एंड 1045 1 होता है, इट मींस DC है वो आपके BC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है। इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिलहाल दोनों DC हैं, तो अगर इनका LHS इक्वल है तो उनका RHS भी इक्वल होना चाहिए। Therefore, कंपेयर, मैं अब लिख लेता हूं कंपेयर 1 एंड 2। Therefore, AC बाय √3 इज इक्वल टू BC। अब हम AC की बात करें तो AC है वो AB प्लस BC के बराबर होता है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे AB प्लस BC बाय √3 इज इक्वल टू BC। अब मेरे पास AB की वैल्यू है 1.6, तो मैं फिर 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू √3 BC, राइट। अब इसको हम यहां पे लेके जाएंगे, तो मैं पीछे सॉल्व कर लेता हूं, पहले मैं इक्वेशन कॉपी कर लेता हूं, 1.6 प्लस BC 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू √3 BC, ओके। अब क्या करना है, इस BC को आप यहां पे लेके जाइए, तो 1.6 इज इक्वल टू √3 BC माइनस BC 1.6 इज इक्वल टू √3
3 माइनस 1 बीसी, राइट। बीसी की वैल्यू फाइंड करने, तो इसको आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा, 1.6 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू बीसी। क्लास 9 में आपको मैंने पढ़ाया था रेशनलाइजेशन करना कैसे करना होता है, तो आपको 1.6 इंटू वही के वही एलिमेंट्स रूट 3, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना है ऊपर नीचे, डिवाइड बाय ये माइनस वाला एलिमेंट नीचे। रेशनलाइज आपने किया था, हम क्या करते थे, नीचे वाले न्यूमरेटर को सॉरी डिनोमिनेटर को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, साइन माइनस है तो प्लस लगा देते और प्लस है तो माइनस लगाते थे, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। ऊपर नीचे दोनों नंबर से सेम की मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 1.6 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इसको कट करोगे तो 0.8 हो जाएगा, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 0.8 रूट 3 प्लस 1। काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब भी कोई ट्रायंगल के अंदर एक ही पॉइंट से दो ट्रायंगल बनते हैं तो उनका जो कॉमन होता है, अगर हाइट कॉमन है तो हाइट की इक्वेशन बनाइए, अगर बेस कॉमन है तो बेस की इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन 1 और 2 करके उसको कंपेयर कीजिए और जो आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए, आपको सॉल्यूशन के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यूज़ मिल जाएगी। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीसी को इसको फाइंड कर सकते हो, आप आंसर चेक कर लीजिए पीछे, ये आंसर आपका राइट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिखा हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से करें, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो मिलते हैं पार्ट नए पार्ट के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पार्ट है। अच्छा, हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 आपको करके दिखाऊंगा, तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमको इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमने आपके लिए काफ़ी एफर्ट्स उठाए हैं तो आप इसका थोड़ा सा वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं पार्ट 9 के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।